Hello friends, how are you doing? In today's video, I'm gonna tell you about class and object in Python. So friends, let's start. So अगर मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट क्यों जानना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पाइथन या किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, अगर हम पाइथन की बात करें, तो अब पाइथन इसलिए सीखते हैं कि हो सकता है आप पाइथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे, हो सकता है मे बी आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहें, आप डेटा साइंस या AI मशीन लर्निंग का काम करना चाहें। पाइथन में अगर आपको कुछ भी प्रोडक्टिव, कुछ भी यूजफुल अगर करना है, अच्छा करना है, तो आपको पाइथन में जो बेसिक सिंटैक्स और उप्स की प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी। अब जो उप्स के जो प्रिंसिपल होते हैं, उनमें क्लास और ऑब्जेक्ट जो है उप्स का सबसे बेसिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है उसका सबसे बेसिक है, तो दैट्स व्हाई आपको क्लास और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं पता होगा, तो आप ना इनहेरिटेंस कर पाएंगे, ना पॉलीमॉर्फिज्म कर पाएंगे, ना आप जेंगो में काम कर पाएंगे, ना फ्लास्क में काम कर पाएंगे, ना ही नंपाई पांडा वगैरह का प्रॉपर यूज कर पाएंगे, ना ही आप प्रिंटर में काम कर पाएंगे, ना ही आप क्यूटी फ्रेमवर्क का यूज कर पाएंगे। तो कहने का मतलब पाइथन में बहुत कुछ या मैक्सिमम चीजें नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सभी करना है, तो आपको क्लास ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, और क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ आपको बाकी के जो उप्स के प्रिंसिपल हैं वो भी पता होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम क्लास और ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, और आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम उप्स के जो बाकी कंसेप्ट हैं उस पर फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्लास को अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, तो क्लास को आप एक तरह की लाइब्रेरी मान सकते हैं। उस लाइब्रेरी से आप जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे इशू करा सकते हैं। उस लाइब्रेरी में कभी ख़त्म नहीं होगा। तो क्लास एक तरह की बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, जिसमें आपने बहुत से मेथड, बहुत से वेरिएबल पहले से स्टोर किए रहते हैं। आपको जब भी रिक्वायरमेंट होती है, आप उस लाइब्रेरी से अपने मेथड या वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं और कितने भी बार कर सकते हैं। अगर आपको क्लास का यूज़ करना है पाइथन में, तो पाइथन लैंग्वेज में एक कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं CLASS, क्लास कीवर्ड। हमेशा स्मॉल लेटर में यूज़ करनी है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अगर क्लास और ऑब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले क्लास कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, आपको इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, सेल्फ कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, और डबल अंडरस्कोर इनेट डबल अंडरस्कोर मेथड, जिसे हम लोग मैजिक मेथड या डंडर मेथड भी कहते हैं, डबल अंडरस्कोर। ठीक है, तो जो आगे और पीछे जो लाइनें आपको दिख रही हैं, मैं अगर आपको बताऊं, ए लाइन और ए लाइन, तो ये बेसिकली डबल अंडरस्कोर है। तो इस तरह के और भी कई सारे मेथड होते हैं, आपने देखे भी होंगे, और नहीं देखे होंगे तो हम आगे चलकर देखेंगे। तो आप अगर क्लास पढ़ रहे हैं, तो आपको इतने टॉपिक पता होने चाहिए। अगर आपको क्लास बनानी है, तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, एक क्लास नाम लिखना है और आपकी क्लास बन जाएगी। अगर आपकी क्लास में कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, ब्लैंक क्लास है, तो आप पास कीवर्ड का यूज कर लीजिए और आपकी क्लास बन जाएगी। सेल्फ, बेसिकली सेल्फ, जब भी हम क्लास और ऑब्जेक्ट में काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड्स में से एक है। वैसे मजे की बात है कि सेल्फ कोई कीवर्ड नहीं है ऑफिशियली, बट फिर भी वर्षों से चली आई प्रथा, लिगेसी जो आप बोल सकते हैं, सेल्फ हम यूज़ करते हैं। डेवलपर जो कम्युनिटी रहती है, सेल्फ का यूज़ करना प्रेफर करती है। सेल्फ एक फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट पैरामीटर होता है जो आप किसी भी मेथड में यूज करते हैं क्लास के अंदर। इनिट मेथड, अगर आप में से कईयों ने पहले जावा, C++, C#, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में काम किया है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक बहुत कॉमन टॉपिक होता है। तो पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर की जगह हम इनिट मेथड का यूज करते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि जब भी क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप कॉल हो जाता है। क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, तो जो वेरिएबल आपके इंस्टेंस से, ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, और जो क्लास के वेरिएबल होते हैं उन्हें हम क्लास वेरिएबल होते कहते हैं।
मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जैसे कि आपने मान लीजिए एक डॉग नाम की क्लास बनाई है, तो आपने यहाँ पे डॉग एक वेरिएबल बनाया है, एनिमल, एनिमल में आपने डॉग स्टोर किया है, तो ये जो वेरिएबल है क्लास वेरिएबल है। लेकिन जब आपने यहाँ पे इनिट मेथड को कॉल किया है, तो जो आप वेरिएबल है इनको हम कही जाएगा, इनको हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, अब फ्रेंड्स इनका हम प्रैक्टिकल कर देखेंगे, तो इसे ऑफ कर देते हैं। अब जैसा कि आपके पास सिस्टम में एनाकोंडा नेविगेटर होना चाहिए, अगर एनाकोंडा नेविगेटर है तो आप स्पाइडर को ऑन कर लीजिए। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी स्पाइडर है। अब स्पाइडर आईडी में, ओके फ्रेंड्स, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट को आपको प्रॉपर वे में समझना है, तो मैंने आपके लिए एक फोल्डर बना लिया है पाइथन क्लासेस के नाम से। अब ये फोल्डर ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है, ओके हम अभी ये फोल्डर ब्लैंक है, ठीक है। इस ब्लैंक फोल्डर में सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, तो मैं न्यू फाइल बना रहा हूं, न्यू फाइल। सबसे पहले इस फाइल को हम लोग जस्ट सेव कर देते हैं, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है, आपकी जो चॉइस आप उस नाम से कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैं man.py के नाम से सेव कर रहा हूँ, man.py, आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी फाइल सेव हो गई है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये man.py हमारी फाइल सेव हो गई है। अब मैं एक और फाइल यहाँ बना रहा हूँ, तो मैं फाइल में जा रहा हूँ, न्यू फाइल में जा रहा हूँ, सेम लोकेशन पर एक और फाइल, और इस फाइल का हम कोई नाम देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, ऐसा कोई भी हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है। मैं इसका नाम math.py दे सकता हूँ, पर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मैथ्स नाम की जो लाइब्रेरी फाइल है पहले से बनी हुई है, तो मैं मैथ की जगह मैथ्स कर लेता हूँ, ठीक है। आप ज्योग्राफी कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमने maths.py नाम से फाइल बना ली। अब दो ब्लैंक फाइल हमारी बन चुकी हैं, दोनों ही सेम लोकेशन में हैं, सेम फोल्डर में। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो main.py फाइल में फिलहाल हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट maths.py फाइल में हम कुछ लिखेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे ऑब्वियसली। अब आप क्लास बनाएंगे तो कभी भी आप कैपिटल CLASS मत करना, क्यों मत करना? क्योंकि स्मॉल लेटर से आपको लिखना है, तो हम स्मॉल CLASS क्लास, आप किसी भी नाम से क्लास बना सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके मैं यहाँ पर मैंगो नाम से क्लास बना रहा हूँ आपके लिए, मैंगो, ठीक है। अब क्लास के सामने आपको कोई भी राउंड ब्रैकेट नहीं लगाने पड़ते हैं, आप छोड़ दीजिए, बस इतना ही, आपकी क्लास बन रही है, बनी नहीं अभी। अब इस क्लास में हम कुछ मेथड बना सकते हैं, बनाने के लिए तो मैं सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं सम, बट सम क्योंकि एक लाइब्रेरी मेथड है तो हम ऐड नाम से बनाना प्रेफर करते हैं। ओके, अगर आप कोई मेथड बना रहे हैं तो आपको पता है उसके सामने आपको जो कीवर्ड यूज करना है वो है def, ठीक है। तो आपने def यूज किया और जस्ट आप यहां लिख देंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आप हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो अर्थ लिख लीजिए, हेलो मून लिख लीजिए, या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक मैंगो क्लास है, उस मैंगो क्लास में एक ऐड मेथड है, ओके कुछ वेरिएबल भी बना लेते हैं, जस्ट लाइक आईडी इक्वल टू 23 और नेम, इसे भी स्मॉल लेटर में कर सकते हैं,
चलिए कोई अच्छा सा नाम बताइए आप लोग। अच्छा सा नाम आप कोई भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अभी के लिए हम सानिया रख लेते हैं, ठीक है। आप सबा रख सकते हैं, गोल्डी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, सानिया हमने नाम रखा है। अब यहाँ पे हमारी जो क्लास बनी है, इस क्लास में ये जो कहलाएंगे डेटा मेंबर, और ये जो है मेथड है, ठीक है, क्लास मेथड। अब ये बन चुका है, इस फाइल को मैं कंट्रोल एस से मैंने सेव भी कर दिया है। अब हम अपने मेन प्रोग्राम में चलेंगे। अब मेन प्रोग्राम में सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, आपकी जो फाइल है उसका नाम है मैथ्स, तो आप लिखिए फ्रॉम मैथ्स और इंपोर्ट स्टार। तो अगर आपने मॉड्यूल्स पढ़े हुए पाइथन में तो आप जानते हैं इस लाइन की मीनिंग ये हो रही है कि मैथ्स डॉट पी वाई नाम की फाइल में जितना भी सब कुछ है, मेथड्स हैं, क्लास हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो सभी क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हम इस लाइन का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा एस वन और मैंगो जस्ट। ऑब्वियसली मैंगो हमारी क्लास का नाम है। इस फाइल में आप और भी क्लासेस बना सकते हैं, मैंगो के अलावा आप चाहें तो एप्पल बना लीजिए या कोई भी क्लास बना सकते हैं, आप कितनी भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अभी हम सिर्फ मैंगो बनाए। तो आपने यहाँ पे ठीक है, ये है S1 मैंगो। अब जो यहाँ पे S1 है, इस S1 को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। आप एक या एक से ज़्यादा, एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड सॉफ्ट फुल नहीं है। आप दो तीन और S1 S2 की जगह आप कोई भी वेरिएबल कोई भी आइडेंटिफायर असाइन कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है क्लास की जितनी प्रॉपर्टी है उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस वन डॉट एड, ठीक है, सिर्फ मैंने इतना लिखा, अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, बट मैं आपको पहले इतना रन करा के दिखा दूं। हम इसे रन करा रहे हैं, देखिए मिस्टेक बता रहा है। मिस्टेक क्या बता रहा है, अगर आप यहाँ पे हमारे कंसोल में देखेंगे तो क्या बोल रहा है कि जो ऐड मेथड है उसे आर्गुमेंट चाहिए। सो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, हमने जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट रहता है यहाँ पे पास नहीं किया है। सो आपको यहाँ पे कोई ना कोई आर्गुमेंट पास करना होगा। नॉर्मली जो ट्रेंड है हम यहाँ पे सेल्फ आर्गुमेंट पास करते हैं, बट आप सेल्फ की जगह कुछ दूसरा भी पास कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसे रन करा के दिखा दूं आपको। ओके, आप आउटपुट देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेथड उसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। ओके, अब जो मैं बता रहा था कि सेल्फ क्योंकि कीवर्ड नहीं है, आप सेल्फ की जगह कुछ भी लिख लीजिए। सपोज हम लिखें यहाँ पे कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मूड, ठीक है। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तब भी हेलो वर्ल्ड रन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक आर्गुमेंट पास करना होता है, लेकिन जो ट्रेंड है वो सेल्फ का है। तो सेल्फ बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपनी क्लास को कॉल कर रहा होता है। तो ये जो कंसेप्ट है बाकी की लैंग्वेज से अलग है। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि आप कोई भी अगर मेथड कॉल कर रहे हैं तो आपको एक आर्गुमेंट पास करना ही होगा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और उसका नाम होगा सेल्फ। इसमें हम थोड़े से और चेंजेस करके देख लेते हैं, मैं कुछ और मेथड बनाता हूँ। वन मोर थिंग, आप यहाँ पे
अगर आप आईडी यूज करना चाह रहे हैं आप यहां पे आईडी यूज करना चाह रहे हैं तो अभी भी एरर बता रहा है। एरर इसलिए बता रहा है कि आपने यहां पे सेल्फ का यूज नहीं किया है, दैट मीन्स सेल्फ जो ऑब्जेक्ट है आपने उसका यूज नहीं किया है। अगर आप सेल्फ का यूज करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका प्रॉपर होगा। तो कहने का मतलब जब भी आप कोई मेथड यहाँ पे आप बनाते हैं आप उसमें कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जितने चाहें 2-3, बट सबसे पहला आर्गुमेंट सेल्फ होगा जो कि कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है। जस्ट हेलो वर्ल्ड 23, तो ये आपका क्लास वेरिएबल को इसने यूज किया। आप यहाँ पे और भी मेथड बना सकते हैं, आप किसी भी नाम से मेथड बना सकते हैं। अभी जो मैं बना रहा हूं एड वन से। अब यहां पे मैं कुछ कोड लिख रहा हूं जो हमारा सबसे प्राइमरी कोड Okay. तो अभी हमने एक एड वन मेथड बनाया है, ये हमारी मैंगो क्लास में ही है, इसे मैं सेव कर रहा हूँ। तो अब हम चाहें तो यहाँ पे H2 इंस्टेंस से, H2 ऑब्जेक्ट से एड वन मेथड को कॉल करा सकते हैं। आप H1 से भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हम H2 से करा रहे हैं। ओके और इसे हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, अभी डन कराते हैं। ओके एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्लास में हमने कुछ डेटा मेंबर बनाए हैं और कुछ मेथड्स बनाए हैं। सो आप अपनी क्लास में कितने भी मेथड रख सकते हैं, कितने भी वेरिएबल रख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे आप अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको कॉल कर सकते हैं। सो मैंने जो कहा था कि क्लास एक तरह की लाइब्रेरी होती है, ये कुछ उसी तरह का है। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा करके दिखाना चाह रहा हूँ। ओके ठीक है। सो ये हमने जो इनिट INIT, ठीक है ओके, इसे हम सेव कर देते हैं। अब यहां पर हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट है एस और एस टू किसी भी मेथड या किसी भी वेरिएबल को कॉल नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि कुछ भी रन नहीं होना चाहिए, कोई भी आउटपुट नहीं आना चाहिए। टाइप एरर ओके, यहाँ पे आपको सेल्फ देना है, ठीक है। तो जो मेथड का रूल है कि आपको सेल्फ ऑर्गुमेंट पास करने हैं तो करने ही हैं, आप बिना ऑर्गुमेंट पास किए आगे नहीं बढ़ सकते।
ठीक है, अभी रन करा रहे हैं। ओके, आपने देखा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दो बार आया, क्यों? क्योंकि आपने दो बार ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दो बार ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियलाइज किया हुआ है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, इतना पोर्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो वो कॉल हो जाते हैं, अगर कोई मेथड है तो वो कॉल हो जाता है, या कुछ भी आपने लिखा है तो वो कॉल हो जाता है। तो बाकी की लैंग्वेज में इसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, यहाँ पे इसे हम इनिट मेथड बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर आज के लिए हम यहाँ ऑफ करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे अगले वीडियोज़ में। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस। थैंक यू।